हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस एनी वियर वीडियोज़ में मैं आपको तमाम तरह की जो खबरें होती हैं, न्यूज़ अपडेट होते हैं एंड हर जगह की इंफॉर्मेशन जो है इस चैनल के थ्रू आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आइए हम आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अमेठी जो कि यूपी का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इस अमेठी को बेसिकली फ्रेंड्स सभी लोग इसके नाम से वाकिफ़ हो चुके हैं। और अमेठी बहुत ही मेन प्लेस हो चुका है इस यूपी में। ठीक है, अमेठी में जो है डेवलपमेंट जो है काफ़ी समय से इस अमेठी में डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। और जो अमेठी के लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ की जनता के लिए। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि साल 2013 में एक रेलवे लाइन का सर्वे हुआ था जो कि अमेठी से ऊँचा रेलवे लाइन थी। उस सर्वे का शिलान्यास काफ़ी पहले हो चुका था, बट इस प्रोजेक्ट पे जो वर्क था वो पूरी तरीके से हो नहीं पाया या शुरू नहीं हो पाया था। ठीक है, और 2014 में जब लोकसभा चुनाव आया तो फिर ये जो प्रोजेक्ट का जो बजट पास हुआ था वो पास होने के बाद इस प्रोजेक्ट का जो कार्य है वो रुक गया। हमें ये लेटेस्ट न्यूज मिली है अमेठी वालों के लिए कि जो अमेठी से ऊँचाहार रेलवे लाइन है इसका सर्वे शुरू हो गया है। ये न्यूज़ मुझे इंटरनेट के थ्रू मिली है और ये अपडेट मिला है कि जो अमेठी से ऊँचाहार जो रेलवे लाइन थी उस प्रोजेक्ट का जो वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है, सर्वे शुरू हो चुका है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको उस जो इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, उसका मैं लाइव अपडेट दिखाऊँगा आपको। इस अमेठी ऊँचाहार रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट का जो वर्क था वो स्टार्ट होने जा रहा है। और गाइस, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दिखाऊंगा जो कि मेरे पास लाइव अपडेट हुई है। सो फ्रेंड्स, ये है वो न्यूज़ जो अमेठी ऊँचाहार रेल लाइन का जो प्रोजेक्ट का जो वर्क था वो उसकी जो अपडेट है वो आप मेरे होम स्क्रीन पे देख सकते हैं या आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो अपडेट है 23 जुलाई 2018 का अपडेट है। और इस अपडेट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अमेठी ऊँचाहार रेल लाइन परियोजना के शुरू होने के आसार बढ़े। सो यहाँ पे आप इसकी पूरी न्यूज़ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और जो ये सर्वे है वो स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अमेठी स्टेशन से जो सटे तहसील के जो गांव हैं जैसे रायपुर, फुलवारी, जंगल रामनगर, उमापुर, गानापट्टी, कटरा उलासी, सुंदरपुर दरखा और गौरीगंज तहसील के गांव लाल शाहपुर, शंभावा, पंडरी और पहाड़गंज और पठानपुर शामिल हैं। इसके बाद रेल लाइन अठेहा परसदेपुर सलोन होते हुए ऊँचाहार पहुँचेगी। सो गाइस, ये आप न्यूज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली मैं अमेठी जनता के लिए ये कह सकता हूँ कि उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो कि उनको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस रेलवे लाइन के कनेक्ट होने से। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है अमेठी वासियों के लिए। सो अब इस सर्वे का कार्य अगर जल्दी से जल्दी हो जाए तो वहाँ के लोगों को जो है किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, उनको इजीली मेथड से जो है कहीं आ जा सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ में बस इतना था। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और आज की न्यूज़ में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच, लाइक करिए, शेयर करिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।